गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ श्वेता श्रीवास्तव फ्रॉम फॉस्फेट गर्ल्स कॉलेज। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स मीन्स कंप्यूटर की विशेषता। आपकी बुक में कंप्यूटर की 7 कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं। फर्स्ट है स्पीड। द कंप्यूटर कैन प्रोसेस डेटा वेरी फास्ट एट द रेट ऑफ मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। Some calculation that would have taken hours and a day to complete otherwise can be completed in a few seconds using the computer. For example, calculation and generation of salary slip of 1,000 of employees of an organization. Weather forecasting that requires analysis of a large amount of data related to temperature, pressure and humidity of various places etc. Speed, मतलब की गति। हम जानते हैं कि computer की speed बहुत fast होती है। इसमें किसी भी डेटा का प्रोसेस बहुत फास्ट होता है। कंप्यूटर किसी भी प्रकार का कैलकुलेशन कुछ ही सेकंड में कर देता है, जिन्हें पूरा करने में हमें घंटों और कई दिन लग जाते हैं। एग्जांपल में आप देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कंप्यूटर की हेल्प से हम 1,000 एम्प्लॉयज़ की सैलरी बहुत आसानी से जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर का इस्तेमाल वेदर फोरकास्टिंग, टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी ऑफ वेरियस प्लेसेस आदि में आसानी से पता करने के लिए किया जाता है। सेकंड पॉइंट, एक्यूरेसी यानी शुद्धता। कंप्यूटर प्रोवाइड्स अ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। फॉर एग्जांपल, द कंप्यूटर कैन एक्यूरेटली गिव द रिजल्ट ऑफ डिवीजन ऑफ एनी टू नंबर्स अप टू 10 डेसिमल प्लेसेस। कंप्यूटर की एक्यूरेसी डिग्री बहुत अधिक होती है। अगर कंप्यूटर की एक्यूरेसी में कोई भी एरर होती है तो आप ये मान के चलिए कि वह एरर सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन या रॉन्ग डेटा के कारण होती है। अदरवाइज कंप्यूटर कभी भी कोई गलत रिजल्ट हमें नहीं देता है। थर्ड, डिलीजेंस। व्हेन यूज्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ अ टाइम द कंप्यूटर डज नॉट गेट टायर्ड और फैटिग्यूड। इट कैन परफॉर्म लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन विद द सेम स्पीड एंड एक्यूरेसी फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड। कंप्यूटर से चाहे आप कितने भी घंटे तक काम करवा लीजिए, कंप्यूटर कभी भी बोर नहीं होता है, ना ही वो कभी थकता है। मनुष्य के साथ क्या होता है, यदि हम किसी भी काम को एक या एक से अधिक बार करते हैं तो हमें उस काम को करने में बहुत अधिक बोरियत हो जाती है, बहुत अधिक हम थक जाते हैं। पर कंप्यूटर में ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। कंप्यूटर के द्वारा हम किसी भी प्रकार के कैलकुलेशन को, चाहे वो जितना भी कॉम्प्लेक्स हो, उसको आसानी से स्पीड के साथ, एक्यूरेसी के साथ शुरू से अंत तक बहुत आसानी से कर सकते हैं। फोर्थ, स्टोरेज कैपेबिलिटी। लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ अ डेटा एंड इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर इन द कंप्यूटर एंड ऑल्सो रिट्राइव वेन एवर रिक्वायर्ड। अ लिमिट अमाउंट ऑफ अ डेटा कैन बी स्टोर टेम्परेरी इन द प्राइमरी मेमोरी। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस लाइक फ्लॉपी डिस्क एंड अ कॉम्पैक्ट डिस्क कैन बी स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा परमानेंटली। स्टोरेज कैपेबिलिटी यानी कंप्यूटर के अंदर किसी भी चीज़ को स्टोर करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। कंप्यूटर में लार्ज अमाउंट के डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं। कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेबिलिटी बहुत अधिक होती है। हम अपनी आवश्यकता के अनुसार डेटा को आसानी से डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं या फिर उसे रिट्राइव भी कर सकते हैं। कंप्यूटर में डेटा को दो तरह से स्टोर किया जाता है, टेम्परेरी एंड परमानेंटली। टेम्परेरी डेटा प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होते हैं, जबकि परमानेंट डेटा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस लाइक फ्लॉपी डिस्क, CD, पेन ड्राइव आदि में स्टोर किए जाते हैं। फिफ्थ, वर्सिलिटी। कंप्यूटर इज़ वर्सिटाइल इन नेचर। इट कैन परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क विद द सेम इज एट वन मोमेंट यू कैन यूज़ द कंप्यूटर टू प्रिपेयर अ लेटर डॉक्यूमेंट एंड इन द नेक्स्ट मोमेंट यू मे प्ले म्यूजिक और प्रिंट अ डॉक्यूमेंट। कंप्यूटर हैव सेवरल लिमिटेशन टू। कंप्यूटर कैन ओनली परफॉर्म टास्क डैट इट हैज़ बीन प्रोग्राम टू डू। वर्सिलिटी मतलब होता है बहुमुखी। कंप्यूटर का नेचर जो होता है वो वर्सिटाइल होता है। ये किसी भी प्रकार के टास्क को बहुत आसानी से कर सकता है। कंप्यूटर में एट वन मोमेंट्स हम डॉक्यूमेंट्स तैयार कर सकते हैं और नेक्स्ट मोमेंट हम उसमें वीडियो गेम खेल सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं या कोई और भी काम कर सकते हैं। सिक्स, नो इंटेलिजेंस। कंप्यूटर डोंट हैव एनी इंटेलिजेंस ऑफ देयर ओन। दे फॉलो अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फेड इन टू देम बाई मैन्युफैक्चर। द यूज़र नो वॉट टू डू एंड वेन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। नो इंटेलिजेंट यानी कि कंप्यूटर के पास अपनी स्वयं की बुद्धि नहीं होती है, बुद्धिमत्ता नहीं पाई जाती है।
कंप्यूटर डोंट हैव एनी इंटेलिजेंस ऑफ देयर ओन। कंप्यूटर के अंदर स्वयं की बुद्धि या बुद्धिमत्ता नहीं होती है, वो केवल उन्हीं चीज़ों को फॉलो करता है जो कि यूज़र के द्वारा उससे करवाया जाता है। यूज़र जो भी काम उसको परफॉर्म करने को कहता है वो केवल वही स्पेसिफिक टास्क को करता है। एंड लास्ट मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग इज ऑल्सो अ कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक्स। कंप्यूटर कैन परफॉर्म सेवरल टास्क एट अ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन लिसन टू सॉन्ग, डाउनलोड मूवीज एंड प्रिपेयर वर्ड डॉक्यूमेंट्स ऑल द सेम टाइम। मल्टीटास्किंग यानी कि एक ही समय में एक कई काम को करना, कंप्यूटर की सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ही मल्टीटास्किंग है। कंप्यूटर बहुत सारे टास्क को एक साथ कर सकता है। आप कंप्यूटर में एक ही समय पे म्यूज़िक सुन सकते हैं, मूवी डाउनलोड कर सकते हैं या कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब हम आते हैं लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की क्या लिमिटेशन या सीमाएँ हैं। नो IQ, कंप्यूटर इज़ नॉट अ मैजिकल डिवाइस। इट परफॉर्म ओनली दोज वर्क विच मैन कैन डज, बट द मेन डिफरेंस इज डैट कंप्यूटर कैन वर्क दोज ऑपरेशन विद वेरी हाई स्पीड एंड रिलायबल एक्यूरेसी। इट हैज़ नो एनी इंटेलिजेंस क्वालिटी और थिंकिंग पावर। नो IQ मीन्स कंप्यूटर के पास अपना स्वयं का दिमाग नहीं होता है। कंप्यूटर कोई मैजिकल डिवाइस नहीं है, ये एक मैकेनिकल डिवाइस है। ये केवल वही काम करता है जो कि मनुष्य उससे करवाता है। जो भी ऑपरेशन मनुष्य के द्वारा दिए जाते हैं, कंप्यूटर उसे बहुत हाई स्पीड से और बहुत ही रिलायबल एक्यूरेसी के साथ उसका रिजल्ट हमें प्रोवाइड करता है। कंप्यूटर स्वयं कोई भी चीज़ को सोच के करने में असमर्थ होता है। नो फीलिंग, बिकॉज कंप्यूटर इज़ ओनली अ मशीन। इट हैज़ नो फीलिंग लाइक ह्यूमन बींग्स। इट हैज़ नो ब्रेन फॉर थिंकिंग एज अ मैन कैन डज। Man had success to make computer memory be different invention of a technology, but he could not make heart. Computer के पास कोई भी feelings नहीं होती है। Computer एक machine होता है, ये मनुष्य की भांति ना ही कोई feeling रखता है और ना ही मनुष्य के तरीके इसके पास कोई दिमाग होता है जिससे वो उस काम को सोच सके। मनुष्य जो भी चीज़ें computer को देता है, computer वही चीज़ करता है। Data machine readable, computer data is read by machine, meaning data obtained from the computer can be read by the computer itself. Computer के अंदर किसी भी data को read करने के लिए machine लगी होती है, उसी machine के द्वारा computer data को read करता है। अब हमारा next topic होगा elements of computer system, जो कि आपको हम next lecture में discuss करेंगे। Thank you class.